झारखंड का जो संस्कृति है उसे पूरे देश में जाना जाता है, लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जो खेल के लिए भी जाना जाता है। हॉकी से पहचान झारखंड की होती है, लेकिन अगर हम खेल की बात करें तो इसमें तीरंदाजी भी शामिल है। तीरंदाजी में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो उभर करके सामने आए और इंटरनेशनल स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। आज हमारे साथ तीरंदाजी का अगर बात करें कोच नाजिया परवीन हमारे साथ मौजूद है। इनसे सीधे चलेंगे और बात करेंगे कि कितना मुश्किल होता है तीरंदाजी को खेल को आगे ले जाना, और वैसे खिलाड़ियों के लिए जिसका परिवेश शायद साधारण जिंदगी रहा हो, खेल से उसका कोई संबंध नहीं हो। नाजिया जी, आप ये बताएं कि खेल को कितना, तीरंदाजी का अगर बात करें तो कितना टफ है? तीरंदाजी जो है बहुत टफ गेम है, क्योंकि उसका जो सारा होता है वो फोकस पे होता है। आपका हाथ जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए और अपना बॉडी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिसके लिए अपना जो एम, आपका फोकस सबसे मेन चीज़ है। जो फोकस, आपका फोकस उसमें ज़्यादा बेहतर होना चाहिए ताकि आप अच्छे से आप शूट कर सकें। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यहाँ पे झारखंड में जो सबसे टॉप लेवल पे हैं, दीपिका कुमारी हैं, अभिषेक वर्मा हैं, तो वो लोग ने ओलंपिक्स में मेडल जीता है। अभिषेक वर्मा इंटरनेशनल प्लेयर बने हैं, तो उन लोग से हम लोग को प्रेरणा मिली है ताकि हम लोग भी उस लेवल पर जा सकें। जिस लेवल पे अगर और झारखंड के दूसरे खेल की बात करें, हॉकी की बात कर ले, हॉकी ने आपने देखा कि झारखंड के कई कीर्तिमान को छुआ है यहाँ के खिलाड़ियों ने। अब तीरंदाजी में अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसे गिने चुने खिलाड़ी हैं जो शायद उभर करके सामने आए, इसका पीछे कारण क्या है? झारखंड सरकार जो हमें यहाँ सपोर्ट करती है, और सरकार का बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे रहा है जो आगे बढ़ाने में हमें मदद करती है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे एक्सेलेंसी हैं, बहुत सारे सेंटर है जो हमें सरकार प्रोवाइड की है, क्योंकि तीरंदाजी एक ऐसा गेम है जो बहुत ही महंगा इक्विपमेंट आता है। इसका इक्विपमेंट लगभग 4 लाख का होता है आगे इंटरनेशनल प्ले करने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतने अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत नीचे से आते हैं, उभरते हैं, ऊपर आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा पेरेंट्स जो सपोर्ट करते हैं, और उससे सबसे बड़ा चीज़ है जो हमारी सरकार, जो हमारा झारखंड सरकार है, जो यहाँ पे खेल मंत्री हमारे हैं, वो हमें सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग आगे और भी खिलाड़ी उभरे हैं और अभी उभर रहे हैं। अभी सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी है और हर जगह है, रांची में है 3 सेंटर हैं, फिर धनबाद में सेंटर है, बहुत सारे सेंटर खुले हैं अभी रिसेंट में, तो इसके वजह से प्लेयर आगे बढ़ रहे हैं। क्या आप मानती हैं कि झारखंड सरकार के सपोर्ट नहीं मिलने कारण, सही तरीक़े से सपोर्ट नहीं मिलने कारण राज्य का जो खिलाड़ी है वो उसका जो प्रतिभा है दब करके रह जाते, वो बाहर नहीं निकल पाते? हाँ, बिल्कुल इस बात को मान सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे प्लेयर हैं हम लोग के तीरंदाजी में ही, बहुत हम लोग जैसा जानते हैं और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो अगर उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा ना तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि वो एक तो आर्चर, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि वो बहुत कॉस्टली है, वो बहुत जो इक्विपमेंट आता है बहुत कॉस्टली आता है, तो वो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर उनके पेरेंट्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते। और अगर उनको ज़रा सा जैसे सरकार की तरफ से उनको जितना भी हेल्प मिलता है उससे वो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है ये चीज़ भी, सरकार का जो मदद होता है। सरकार की तरफ से क्या मदद मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को? उनको जैसे कि इक्विपमेंट्स की मदद मिलनी चाहिए, और जैसे वो आगे नहीं बढ़ते हैं, और कोई बड़े बच्चे ऐसे हैं जो नेशनल लेवल पे पहुंच के भी उनको जॉब नहीं मिल पाती है। अक्सर देखा गया है, क्रिकेट की बात कर ले, फुटबॉल की बात कर ले, या फिर हॉकी की बात कर ले, सभी के लिए सरकार ने थोड़ी थोड़ी व्यवस्था कर रखी है, पैसे की या फिर इक्विपमेंट्स की, या फिर बात करें हम उनके जो स्टेडियम है स्टेडियम के, लेकिन तीरंदाजी के लिए स्पेशल कोई स्टेडियम का निर्माण नहीं हुआ। इसके वजह भी पीछे यही कारण हो सकता है कि खिलाड़ी उभर करके बाहर नहीं आ पा? हाँ, ये भी हो सकता है ऐसा, क्योंकि जैसे हमारा झारखंड है अभी बहुत थोड़ा सा तीरंदाजी में ऐसा है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया है, तो बस इसका भी एक है कि इसका एक अलग स्टेडियम नहीं है। अभी जैसे जितना भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी खुले हैं, अभी वो रिसेंट में ही खुले हैं, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 2 या 3 साल हुआ है, और अगर ये बहुत अच्छी तरीके से होंगे तो और भी खिलाड़ी इसमें उभर आएंगे, और ये ज़्यादा तीरंदाजी जो है और ज़्यादा हाईलाइट होगा, क्योंकि तीरंदाजी एक है जो हमारा शुरू से चलते आया है, अर्जुन के टाइम से ये चलते आया है ना। तो और जैसा कि यहाँ पे अगर इस तरह का एक अलग सा स्टेडियम हो तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो यहाँ से और निकलेंगे ओलंपिक्स में, और ज़्यादा मेडल हम लोग इसमें जीत सकते हैं। अगर हम बात करें टाटा स्टील की, टाटा स्टील ने लगातार कई खेल के क्षेत्र में उन्होंने खिलाड़ियों को सपोर्ट किया है, क्या तीरंदाजी के लिए उन्होंने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया?
हाँ जी बिल्कुल बढ़ाया है टाटा स्टील कंपनी, जैसे मैं भी एक टाटा स्टील कंपनी में भी मैं सीखी हूँ टाटा फिडर सेंटर में, हमारा जो डिगवाड़ी धनबाद में है, मैं वहीं पे प्रैक्टिस करती हूँ। और जो आपका जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउंडेशन, टाटा स्टील जो चलते हैं वहाँ से दीपिका कुमारी, वो वहीं से निकली है, सारे बहुत सारे से प्लेयर हैं जो वहाँ से उभरे हैं, तो टाटा स्टील का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसमें। राज्य में खिलाड़ियों की कमी नहीं, कई ऐसे खिलाड़ी जो तो जो प्रतिभान और इंटरनेशनल स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, बस सरकार को उन खिलाड़ियों को मदद करने के लिए और उन्हें सपोर्ट करने के लिए। अपने सहयोगी विशाल के साथ नौशाद, लाइव इंडिया, रांची।